तो आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि इस वक्त पे बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के अंदर एक अलग ही लेवल का बवाल चल रहा है, और इस बवाल की शुरुआत तब हुई थी जब बांग्लादेश टीम ने अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करा था, और बवाल इसके अंदर ये था कि इस टीम में तमीम इकबाल का नाम नहीं था। जब इस बारे में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट से सवाल किया जाता है कि आखिर आपकी टीम के इतने अनुभवी प्लेयर टीम में शामिल क्यों नहीं है, तो जवाब आता है कि तमीम इकबाल जो है वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि उनको ओपनिंग पोजीशन से कहीं और खिलाया जाए। वो बस ओपनिंग पोजीशन पे ही खेलना चाहते थे, जबकि शाकिब अल हसन जो कि टीम के कैप्टन हैं, वो चाहते थे कि तमीम इकबाल जो हैं वो मिडल ऑर्डर में खेलें। इसी के चलते जब तमीम इकबाल ने कहा कि नहीं भैया हम नहीं खेलेंगे, तो शाकिब अल हसन ने भी कहा ठीक है फिर हम आपको टीम में लेकर नहीं जाएंगे। अब देखो, जब बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत आ चुकी है और उनसे फिर से यही सवाल किया जाता है कि क्या आपने सिर्फ इस चीज के लिए तमीम इकबाल को टीम से बाहर कर दिया कि वो अपनी बैटिंग पोजीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, क्या ये सही है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए शाकिब अल हसन जो कहते हैं, वो अपने जवाब में रोहित शर्मा का नाम ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस सवाल का जवाब देने में आखिर रोहित शर्मा बीच में कहां से आ गए, तो भाई चिंता की कोई बात नहीं है। जिस चीज का एग्जांपल देते हुए यहां पे शाकिब अल हसन ने रोहित शर्मा का नाम लिया है, उसे सुन के आपके दिल में जो रोहित शर्मा के लिए इज्जत है ना, जो कि ऑलरेडी कई एकदम ऊंचे लेवल पे होगी, वो और ऊपर जाने वाली है। पर वो देखने से पहले भाई, जहां मैंने जिक्र करा वर्ल्ड कप 2023 का, देखो भाई वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैचेस इतने शानदार होने वाले हैं, तो आखिर इंतजार क्यों ना करें? लेकिन क्या वर्ल्ड कप में बैठ के सिर्फ मैच ही देखोगे क्या? अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीम बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे, क्योंकि पैसा भी तो कमाना है ना। तो भाई बैठा है मदद करने के लिए, भाई कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंडिया की नंबर वन लेडीज टिपर आकांक्षा प्रेडिक्शन का, जो कि भैया एक नंबर प्रेडिक्शन करती हैं, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। और भाई बहुत लोग हैं इंडिया में और बाहर भी जो आपको इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, कोई 1000 कोई 2000, लेकिन भाई यहां पे आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इनके टेलीग्राम चैनल का, जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए वर्ल्ड कप में भी और फिलहाल भी कहीं भी जो मैचेस चल रहे हैं, हर मैच की एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी। बस उस प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करना है और फिर पैसा ही पैसा छापना है, तो बिल्कुल ही वेट मत करो भाई। ये जो आकांक्षा है ना, 8-10 साल का इसको एक्सपीरियंस है, इतना खतरनाक एनालिसिस करती है, इसीलिए इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है हर चीज की, चाहे टॉस हो, चाहे कौन मैच जीतेगा, कौन सी टीम कितना स्कोर मारेगी, कौन बॉलर कितने विकेट लेगा, हर चीज की एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो भाई से मेरी बात विश्वास मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी जाओ और जाके ज्वाइन करो और मस्त पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन शाकिब अल हसन से एक इंटरव्यू के दौरान जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने सिर्फ इस रीजन के लिए कि तमीम इकबाल जो हैं वो अपनी बैटिंग पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, सिर्फ इस रीजन के लिए आपने उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया, क्या ये सही है? तो शाकिब अल हसन कहते हैं ये सिर्फ इतनी सी वजह नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कोई प्लेयर अगर अपने लिए सोच के खेलने लग जाए तो वो असल में टीम के लिए नहीं खेल रहा है, जिसके चलते वो टीम में जगह भी डिजर्व नहीं करता है। लेकिन मैंने कहा ना कि वो अपने जवाब को देते हुए रोहित शर्मा के नाम को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपको एग्जांपल देखना ही है तो रोहित शर्मा का देखिए, उन्होंने किस बैटिंग पोजीशन से शुरू किया था, वो 7वें पे खेले, वो 6ठे पे खेले, 5वें पे खेले, 4थे पे खेले, उसके बाद जाके उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया। और आज की तारीख में भी अगर उनका कोई कैप्टन होता और उनसे कहता कि आपको टीम की जरूरत अनुसार तीसरे चौथे या पांचवें नंबर पे खेलना होगा, तो रोहित शर्मा कभी भी मना नहीं करते। आप शायद सोच रहे होंगे कि शाकिब अल हसन को कैसे पता कि रोहित शर्मा मना करते या नहीं करते, तो देखो भाई बस पता चल जाता है। मैं आज की तारीख में ये बात लिख के दे सकता हूं कि आज अगर रोहित शर्मा के कैप्टन कोहली होते या धोनी होते और उनसे एक बार भी कह देते कि रोहित भाई इस बार आपको थोड़ा चौथे पांचवें नंबर पे खेलना होगा क्योंकि आपकी जरूरत वहां पे ज्यादा है, तो आंख बंद करके भाई आंख बंद करके रोहित शर्मा कहते कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि सच में अगर रोहित शर्मा को अपने स्टैट से फर्क पड़ता, अपने रनों से फर्क पड़ता, तो इतने टाइम से जो वो स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेल रहे हैं, जो वो बड़ी
खिलाड़ियों को छोटी कर रहे हैं, मतलब 70-80 पहुंचने के बावजूद भी वो चौके छक्के लगाने की कोशिश में होते हैं सिर्फ टीम के लिए, तो वो नहीं कर रहे होते ये सब। मस्त भैया अपना शतक पूरा करते। अभी हाल ही में तुम एग्जांपल ले लो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच का, बहुत आसानी से रोहित शर्मा उस मैच में शतक मार सकते थे, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से तो वो ऑलरेडी खेल रहे थे, कोई ये भी नहीं कहता कि तुमने अपने लिए खेला। लेकिन रोहित शर्मा जानते थे कि उस वक्त पे और तेजी से खेलने की जरूरत थी, तो वहां पे उन्होंने अपने शतक की नहीं सोची बल्कि अपनी टीम के लिए सोची। तो कुल मिला के शाकिब अल हसन जो एग्जांपल दे रहे हैं एकदम सही दे रहे हैं। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन विमल कुमार यूट्यूब चैनल पे रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू अपलोड होता है जिसमें दो बहुत ही बड़े सवाल उनसे पूछे जाते हैं, और उन सवालों के जवाब में जो रोहित शर्मा कहते हैं भाई, वो जवाब इतनी तेजी से वायरल होते हैं कि हर कोई ये कह रहा होता है कि रोहित भाई एकदम सही कहा है। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि रोहित भाई अगर आपके हाथ में होता कि क्रिकेट के किसी एक रूल को चेंज करना है तो आखिर वो कौन सा रूल होता, तो रोहित शर्मा कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो ये सिक्सेस पड़ते हैं ना, जो छक्के पड़ते हैं, उसमें डिस्टेंस के हिसाब से रन और ज्यादा मिलने चाहिए। अगर कोई बैट्समैन 90 मीटर के ऊपर छक्का मार रहा है तो उसको 8 रन मिलने चाहिए, और अगर कोई 100 मीटर के ऊपर छक्का मार रहा है तो उसको 10 रन मिलने चाहिए। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए रोहित शर्मा यह भी कहते हैं कि जैसे क्रिस गेल हैं, ना जाने उन्होंने अपने करियर में कितने बड़े बड़े छक्के मारे, 100, 100, 110 मीटर के छक्के मारे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी जब सिर्फ 6 ही रन मिलते छक्के के तो बहुत दुख होता था कि फायदा क्या हुआ इतने लंबे छक्के मारने का। बाकी मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा ये जो कह रहे हैं असल में अपनी व्यथा यहां पे बता रहे हैं कि भाई इतनी आसानी से मैं इतने लंबे लंबे छक्के मारता हूं लेकिन मिलते मेरे को 6 ही रन है, क्योंकि रोहित शर्मा जानते हैं कि अगर ये रूल उनके वक्त से शुरू हो गया होता तो ना जाने भैया रोहित शर्मा के कितने रन ज्यादा होते। इसी इंटरव्यू में रोहित शर्मा से ये भी पूछा जाता है कि अगर आपको बताना हो कि वो कौन सा बॉलर है जिसको फेस करते वक्त आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता था, सबसे ज्यादा डर लगता था, हालांकि रोहित शर्मा को किसी से भी डर नहीं लगता है, लेकिन जो नाम रोहित शर्मा ने लिया ना भाई, सच में रोहित शर्मा को उससे डर लगता था, मतलब सच में लगता था, क्योंकि रोहित शर्मा ने नाम लिया नन अदर देन डेल स्टेन का। पहले तो देखो डेल स्टेन से ना सबको डर लगता था, खासकर वो जो पीक वाला डेल स्टेन था ना, वैसा बॉलर आ ही नहीं सकता है भाई। डेल स्टेन का जो विकेट चटकाने का रेट है ना भाई, हर कोई उसके सामने फीका पड़ जाता था। 150 की स्पीड के साथ, मतलब एकदम फुल लेंथ बॉल को बंदा इन स्विंग आउट स्विंग सब कुछ करा सकता था, और भाई रोहित शर्मा का तो एक वक्त पे डेल स्टेन ने भूत बना रखा है। शुरू के 3-4 ओवर तो ऐसे निकलते थे डेल स्टेन के कि रोहित शर्मा को समझ ही नहीं आता था, पर एक बार जब डेल स्टेन चले जाते थे तो रोहित शर्मा बाकी बॉलरों का इतना भूत बनाते थे कि पता ही नहीं चलता था कि रोहित शर्मा के शुरुआती 15 बॉल में एक भी रन नहीं थे। क्या आप भी रोहित शर्मा की बात से एग्री करते हैं, और क्या आप भी मानते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट बॉलर ऑल टाइम अगर कहें तो वो डेल स्टेन है? जिसको भी ऐसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई और नाम आ रहा है तो वो कमेंट में बता देना। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है रॉबिन रावत, जो लिखते हैं कि हेलो भाई बिग फैन, थैंक यू रॉबिन भाई, थैंक यू। आगे लिखते हैं कि मेरा सवाल यह है कि क्या T20, ODI और टेस्ट की पिच अलग अलग होती है, प्लीज रिप्लाई मी। तो भाई पहले तो देखो बड़े ही टाइम के बाद किसी ने इतना टेक्निकल सवाल पूछा है, लेकिन जब पूछ ही लिया है तो जवाब दे ही देते हैं। तो देखो भाई अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग पिच होती नहीं है, अलग अलग पिच बनाई जाती है। यही रीजन है कि जिस सेम पिच पे ODI और T20 में इतनी स्पिन या कभी कभी बिल्कुल भी स्पिन नहीं खा रही होती है, उसी सेम पिच पे टेस्ट में ऐसी पिच बना देते हैं इंडिया वाले कि भाई अश्विन और जडेजा 2-2.5 दिन में मैच ही खत्म कर देते हैं, विपक्षियों का कुत्ता बना देते हैं। तो हाँ फॉर्मेट के हिसाब से पिच अलग अलग बनाई जाती है। अब जैसे T20 होता है तो ज्यादा वहां पे बॉलरों की फेवर वाली पिच नहीं बनाई जाती है ताकि लंबे लंबे छक्के देखने को मिले, हालांकि कुछ जगह उल्टा ही हो जाता है, जैसे कि लखनऊ के एकाना मैदान में हमने देखा था ना IPL में कि भैया 100-120 रन पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे लखनऊ वाले जो थे पिच क्यूरेटर वही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यहां पे क्या करें कि पिच बेहतर हो सके। पर वर्ल्ड कप 2023 के लिए वापस से पिच को और बेहतर करा गया है और ज्यादा अच्छा बनाया गया है कि भैया बैलेंस बना रहे। मैं ऐसा इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं लखनऊ में ही रहता हूं ना, पर आप लोग कहां रहते हैं? सुना अभी तक आपने हमको इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है, जाइए जाके फॉलो करिए, नई नई रील्स आप पे रोज डाल रहे हैं, काहे मेहनत कर रहे हैं जब आपको देखना ही नहीं है, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है, जाके फॉलो करिए।
मन में कोई सवाल है डीएम करिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट फीचर किया जाएगा। उसके अलावा पता है ना क्या करना है, बिना समय बर्बाद किए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से द आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहां पे जैसा मैंने कहा इतनी सटीक भाई तुमको प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी कि भैया उसका इस्तेमाल करके वो भी फ्री में मिलेंगी। भाई सबसे मेन बात तो ये है, कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके वर्ल्ड कप में भैया चांदी ही चांदी होगी। तो बस मेरी बात विश्वास मत करो, मैं कहता हूं ना सिर्फ विश्वास मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाओ जाके ज्वाइन करो। फिर देखो भाई आकांक्षा का पिछले 8-10 साल का जो एनालिसिस का एक्सपीरियंस है ना, जिस तरीके से एकदम सटीक प्रेडिक्शन देती है ना भाई, कसम से तुम खुद चौंक जाओगे। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर तुमको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, कोई भी दिक्कत आए जाके मैसेज कर देना, बस सारी दिक्कतें सॉल्व। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में दिक्कत आए तो भी मैसेज कर देना, अपने आप तुमको ज्वाइन कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं ना तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो, वीडियो पसंद आई लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।